पश्चिम रेलवेના જનરલ મેનેજર આલોક કંસલ આજે ખાસ ટ્રેનમાં વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન માટે રાજકોટ રેલવે ડિવિઝનના વિવિધ રેલવે સ્ટેશનોની મુલાકાતે આવ્યા છે. જામનગર જિલ્લામાં તેઓ કાનાલુસ રેલવે સ્ટેશન ખાતે આવી પહોંચતા ડીઆરએમ અને સ્થાનિક રેલવે અધિકારીઓએ તેઓનું રેડ કાર્પેટ સ્વાગત કર્યું હતું. જીએમએ કાનાલુસ રેલવે સ્ટેશન ખાતેની વિવિધ કચેરીઓની મુલાકાત લીધી હતી અને જરૂરી માહિતી સ્ટેશન મેનેજર સહિતના અધિકારીઓ પાસેથી મેળવી હતી. આ પછી તેઓ જામનગર तरफ रवाना थया हता. जामनगर रेलवे स्टेशन ने तेओ नो टीम आवी पहुंची हती. देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय रेल, जिसको कि देश की लाइफलाइन कहा जाता है, वो अपनी यात्री सुविधाओं के लिए, सेफ्टी के लिए कटिबद्ध है. इसी दौरान हमने आज सुबह कनालूस से अपना एक वार्षिक निरीक्षण की एक पद्धति होती है, उसकी शुरुआत करी है. इसके मुख्यतः तीन उद्देश्य होते हैं. पहला उद्देश्य होता है कि हम जितने भी हमारे ट्रैक्स के ऊपर असेट्स बने हुए हैं, ब्रिज हैं, ट्रैक्स हैं, ऊपर ओएचई वायर है, स्टेशन में सिग्नलिंग सिस्टम लगे हुए हैं, उनकी सेफ्टी का हम पूरे गहन से जांच करते हैं. मेरे साथ हेडक्वार्टर से मेरी पूरी टीम आई हुई है, जो अपने अपने क्षेत्र का गहन निरीक्षण करते हैं और उसमें देखते हैं कि उसका पूरा पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है. दूसरा उद्देश्य ये होता है, जब हम स्टेशन पर आते हैं तो वहाँ पर जो यात्री सुविधाएँ उपलब्ध हैं वो उपयुक्त है कि नहीं, पूरी है कि नहीं, या उसके अंदर और कितना सुधार हम कर सकते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस स्टेशन पे अभी लिफ्ट्स और एफओबी का कार्य चल रहा है और शीघ्र ही इसको जनवरी के माह में पूरा किया जाएगा. तो उसके दौरान हमें कुछ और भी सुझाव आते हैं आपके माध्यम से, आदरणीय सांसद महोदय के माध्यम से, उस पर भी हम उसको विचार करके प्लान करने की कोशिश करते हैं. तीसरा उद्देश्य ये है कि स्टेशंस और ट्रेन्स और उसकी सफाई, वो मेरा एक तीसरा उद्देश्य होता है. आप सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमको आज से 2014 में एक आह्वान दिया था कि स्वच्छता अभियान हमें सबको पालन करना चाहिए. अभी मैंने देख के खुशी हुई कि अभी मैंने यहाँ आरपीएफ का एक छोटा सा उन्होंने पैच डेवलप किया है. आरपीएफ के लोगों ने खुद ही उसको श्रमदान करके उसको ग्राउंड को समतल किया, उसमें अंदर अपने लिए कुछ जिमनाजियम के लिए उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं. और हमारे यहाँ के स्टाफ के जो बच्चे हैं, उन्होंने एक और स्कीम अभी चल रही है जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये कहा है कि अगले वर्ष 15 अगस्त के दिन 3 कॉम्पिटिशन्स किए जाएंगे पूरे भारतवर्ष में. उसमें एक संगीत का गीत का लिखना, लोरियों का लिखना और रंगोली का करना. इसके तहत हमने इसमें एक वृद्ध सबको अपनी सूचना दी है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और इसमें रजिस्टर कर सकता है. तो मुझे आज देख के खुशी हुई कि हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ के बच्चों ने 6 रंगोलियाँ बनाई हैं. और मैं चाहूँगा जब आप यहाँ जाने से पहले उसको अवश्य देखिएगा, बहुत ही सुंदर उसके अंदर विचार हैं. आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं इस वर्ष से और ये 2 साल तक चलेगा, उसकी थीम पर उन्हें जो बनाया है मुझे देख के बड़ी खुशी. ये एक ऐसा उदाहरण है कि हमारे को कोई भी यात्री जब स्टेशन पे आता है उसके पास कुछ समय होता है तो वो आजकल, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अपनी हेल्थ के लिए हम लोग जागरूक नहीं हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका मस्तिष्क भी साफ सुथरा सोच पाएगा. तो वो उस 5 मिनट के दौरान, जैसे मुझे उन्होंने कहा कि भाई आप 5 मिनट के लिए खड़े हो जाइए मशीन के ऊपर, हेल्थ एटीएम के ऊपर, तो मुझे अभी वो एक रिपोर्ट निकाल के देंगे. मैं देख सकता हूं कि उसके अंदर मेरी हेल्थ पैरामीटर्स कैसे हैं, कहां मुझे कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करना है, और उसको करते हुए हम अपने मस्तिष्क को और अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं. मिशन में डबलिंग का कार्य सेंक्शन हो चुका है, आप जानते हैं. अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 7 अक्टूबर को राजकोट से कनालूस का डबलिंग का कार्य सेंक्शन किया है, जिसकी लागत करीब 1100 करोड़ रुपये की है. और इसका लक्ष्य 3 से 4 साल में इसको हम पूरा करने का हमने लक्ष्य भी रखा है. इस सेक्शन में ओची का काम भी चल रहा है, डबलिंग का काम भी चल रहा है. उसी का भी हमें समीक्षा रास्ते में जब हम जाएंगे दौरे पे आगे, उसको भी हम देखेंगे, करेंगे, जिससे कि लक्ष्य के अनुसार उस कार्य को पूरा कर सकें. और इस सब कामों के बाद में जो आप सब लोगों को एक कॉमन जो एक डिमांड्स होती हैं कि इस सेक्शंस में और ट्रेन बढ़ाई जाए या इस सेक्शंस में और ट्रेन को एक्सटेंड किया जाए, वो तभी संभव हो पाएगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होगी, सिंगल लाइन से डबल लाइन सेक्शंस हो जाएंगे, ऊपर ओचीए का कार्य पूरा हो जाएगा और अगले आने वाले कुछ सालों में
आप सब लोगों को इस पूरे क्षेत्र में किसी बात की असुविधा नहीं होगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। और जो पीएम साहब का एक मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सब में मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से भी लोग बाग हमसे जुड़ें और यात्री सुविधाओं के लिए जितना कार्य हम लोग कर सकते हैं, मेरी पूरी टीम जो राजपुर मंडल की है वो उस कार्य में पूरा तत्परता से कार्य कर रही है। रिपोर्टर हर्षल खंदेड़िया, जामनगर।